नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में खगड़िया सीट की। खगड़िया सीट से 2019 में कौन बनेगा सांसद, कौन जीतेगा 2019 का लोकसभा चुनाव खगड़िया से। इस सीट पर अधिकांश बार जनता दल का कब्जा रहा है। बाद में यही पार्टी जदयू हो गई, जिसने 1999 में जीत दर्ज की। उससे पहले 89, 91 और 96 में 3 बार लगातार जनता दल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर विजयी रहे, जिन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी कृष्णा कुमारी यादव को हराया। कृष्णा कुमारी यादव पूर्व विधायक रणबीर यादव की पत्नी है। आरजेडी ने खगड़िया की पूर्व प्रत्याशी कृष्णा यादव को इस बार पार्टी से निष्कासित कर दिया है। खगड़िया मुंगेर डिवीजन में पड़ता है। इसका जिला मुख्यालय खगड़िया सिटी में है। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनके नाम हैं सिमरी, बख्तियारपुर, खगड़िया, हसनपुर, बेलदौर, अलौली जो कि एससी है, और परबत्ता। इसमें अलौली विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। अब अगर बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ से एलजेपी के चौधरी महबूब अली कैसर ने जीत दर्ज की। उन्होंने आरजेडी के कृष्णा कुमार यादव को हराया। कैसर को 3,13,806 वोट मिले, तो कृष्णा यादव को 2,37,803 वोट मिले। इस सीट पर नोटा ने भी 23,868 वोट नोटा में दर्ज हुए। वहीं तीसरे नंबर पर रहे जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव। 2009 के चुनाव में दिनेश चंद्र यादव यहां से सांसद रह चुके हैं और चुनाव जीते थे। वहीं अगर बात करें 2019 के लोकसभा की, तो महागठबंधन से वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी चुनावी मैदान में हैं। वहीं एनडीए ने लोजपा उम्मीदवार महबूब अली कैसर को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 6 20 सीटों में से 5 पर जदयू का तथा 1 पर राजद का कब्जा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 16,53,928 मतदाता सांसद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 8,73,663 पुरुष तो 7,80,525 वोटर महिला है। बिहार की खगड़िया लोकसभा सीट पर इस बार महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर के साथ ही और लोगों के बीच मुकाबला है, जो कि अन्य पार्टियों से है और निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वहीं मुकेश सहनी बॉलीवुड में फेमस सेट डिजाइनर है और निषादों की राजनीति में इनका अच्छा खासा दखल है। और ये निषादों की राजनीति से ही बिहार में इस बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और इनकी पार्टी के तरफ से 3 लोग और सांसद के चुनाव में लड़ रहे हैं बिहार से। अगर आपको अब ये देखने वाली बात होगी कि 2019 में कौन आखिर खगड़िया सीट से फिर चुनाव जीतता है, क्या महागठबंधन या एनडीए, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही और प्रत्याशियों में से कौन जीतता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।